मम्मी का बर्थडे। रात का समय था, 9 बज रहे थे। गट्टू चिंकी टीवी के सामने बैठकर कार्टून देख रहे थे और पापा वहीं बैठे बैठे ऑफिस की फाइल्स चेक कर रहे थे। मम्मी बेचारी किचन में काम कर रही थी। बर्तन और बाकी सारे काम खत्म करके मम्मी ने किचन साफ किया और मम्मी हॉल में आई। अरे ये क्या, आप सब अभी तक जाग रहे हो? गट्टू चिंकी, टीवी बंद करो और भागो अपने कमरे में, रात बहुत हो चुकी है। मम्मी प्लीज, कल वैसे भी संडे है, हमें कार्टून देखने दो ना। लेकिन बेटा। मम्मी प्लीज डोंट डिस्टर्ब, आपके सीरियल्स के बीच में हम आपको डिस्टर्ब करते हैं क्या? चिंकी की बात सुनकर मम्मी बेचारी नाराज हो गई और उन्होंने अपनी नजर पापा की तरफ घुमाई। अरे कब तक इन फाइलों में उलझे रहोगे, सोना नहीं है क्या? रोज तो खाना खाते ही सो जाते हो, आज क्या हो गया? प्लीज डोंट डिस्टर्ब यार, बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग है, एक एक सेकंड बहुत कीमती है मेरे लिए। ऐसा कहकर पापा फिर से फाइल्स में खो गए और मम्मी बेचारी सबको बारी बारी देखती रही। बच्चों को कार्टून देखना है, इन्हें ऑफिस का काम करना है और ना ही कोई मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं बेडरूम में जाकर सो जाती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी बेडरूम की तरफ निकल गई। जैसे ही मम्मी गई, पापा ने फाइल पटक दी। फाइल देख देख कर तो मम्मी से पहले मैं ही सो जाता। तभी चिंकी जम्भाई लेते हुए बोली, सोना नहीं है पापा, सोना नहीं है ना गट्टू। चिंकी ने गट्टू की तरफ देखा तो गट्टू घोड़े बेचकर सो रहा था। गट्टू उठो, उठो बेटा, अरे ये तो हिल भी नहीं रहा। गट्टू उठो, गट्टू, गट्टू 12 बज गए हैं। ये सुनते ही गट्टू झट से उठकर बैठ गया। 12 बज गए, चलो चलते हैं, कहाँ है केक? गट्टू की हालत देखकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, गट्टू 12 अभी बजे नहीं और केक अभी आया नहीं, तुम जाओ और देख कर आओ मम्मी सो रही है या नहीं। गट्टू जाने लगा तो पापा पीछे से चिल्लाए, और सुनो, सिर्फ देख कर आना, वही मम्मी के पास सो मत जाना। गट्टू चला गया और थोड़ी ही देर में वापिस आकर बोला, मम्मी सो रही है। यस! ये डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया? पापा आप एक काम करो, दरवाजा खोल दो। वो क्यों? अरे डिलीवरी बॉय आकर डोरबेल बजाएगा तो आवाज से मम्मी जाग जाएगी और हमारे सरप्राइज का सत्यानाश हो जाएगा। चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। ऐसा कहकर पापा दरवाजे के पास गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने केक का बॉक्स लेकर डिलीवरी बॉय खड़ा था। क्या परफेक्ट टाइमिंग है सर, मैं बस बेल बजाने ही वाला था, ये लीजिए आपका केक। पापा ने केक लिया और पेमेंट कर दिया। तभी हाथ में कुछ पैसे लेकर चिंकी आई और डिलीवरी बॉय को देने लगी। सॉरी, हमें सर्विस टिप लेना अलाउड नहीं है। ये टिप आपके सर्विस के लिए नहीं, आपने डोरबेल नहीं बजाई इसलिए है, प्लीज रख लीजिए। बॉय ने टिप ले ली और वो वहाँ से चला गया। केक फ्रीज में रख दो और सारी तैयारियाँ कर लो। चिंकी ने केक फ्रीज में रखा और वो गट्टू के साथ मिलकर कैंडल्स और बाकी सामान रेडी करने लगी। ठीक 11:59 पर गट्टू, चिंकी और पापा मम्मी के बेड के सामने बड़ा सा केक लेकर खड़े थे। बेचारी मम्मी को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पापा ने टाइम देखा, जैसे ही 12 बजे सब ने एकदम से हंगामा खड़ा कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी नींद से जागकर झट से बिस्तर पर बैठ चुकी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो समझ रही थी कि वो सपना देख रही है। ऐसे क्या देख रही हो मम्मी, आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, कैसा लगा सरप्राइज? गट्टू ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और बैकग्राउंड सॉन्ग भी बजने लगा और केक कटिंग शुरू हुई। थैंक यू सो मच, मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है, मैं तो भूल ही गई थी। याद कैसे रहता, दिन भर तुम इतने काम करती हो, बस हमारी सर्विस में उलझी रहती हो। डोंट वरी मम्मी, हमें याद था। तभी मैं सोचूं, अचानक सबकी नींद कैसे गायब हो गई? कोई कार्टून देख रहा है तो कोई फाइल में उलझा है। मम्मी
सच बताओ हमें बहुत नींद आ रही थी। गट्टू तो बैठे बैठे सो रहा था, लेकिन हमें आपको सरप्राइज देना था। तो दे दिया सरप्राइज? हो गए सारे सरप्राइज खत्म? ऐसे कैसे, हम अभी आते हैं। गट्टू चिंकी भागते हुए गए और ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए। सबने एक एक गिफ्ट मम्मी को दिया और मोबाइल से फोटोज कैप्चर किए। मम्मी अभी भी ढेर सारे सरप्राइज बाकी है। चिंकी बताओ। नहीं, पापा बताएंगे। अरे अच्छा ठीक है, बच्चों ने कल तुम्हारे लिए एक पार्टी अरेंज की है। सारा इंतजाम खुद गट्टू चिंकी ने किया है, तुम्हें कल बस एंजॉय करना है। बच्चों ने खाना वाना सब बाहर से ऑर्डर कर लिया है। सोसाइटी में सबको इनविटेशन दिया गया है। और एक बड़ी बात। कौन सी बात? पता है कल पार्टी में तुमसे मिलने कौन आ रहा है? बचपन की तुम्हारी सारी सहेलियाँ, जो समय के साथ साथ तुमसे बिछड़ गई थी। गट्टू चिंकी ने सोशल मीडिया से सबको ढूंढ निकाला और इनविटेशन भेज दिया। ये सुनकर मम्मी इमोशनल होकर गट्टू चिंकी को बिलक गई। मम्मी आप खुश तो हो ना? आप सिर्फ हमें बताओ, हम आपके लिए और क्या करें? मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम चारों मिलकर आज रात भर ढेर सारी बातें करेंगे। दिन भर आप सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हो और घर आते ही टीवी और मोबाइल में चिपक जाते हो, और मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। सॉरी मम्मी। हाँ आज के बाद हम तुम्हें भी टाइम देंगे, फिर क्या। ऐसे ही बातें शुरू हुई और रात भर पेट भर बातें चलती रहीं।